दिल्ली की एक ई रिक्शा कंपनी ने छिंदवाड़ा नगर निगम को ही अपना शिकार बना लिया है। इस कंपनी ने ई रिक्शा देने का झांसा देकर करीब 6,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। दरअसल शासकीय योजना के तहत जरूरतमंदों को ई रिक्शा दिया जाना था, जिसके लिए नगर निगम ने टेंडर निकाला जिसे दिल्ली की कंपनी ने लिया था। इसके बाद नगर निगम ने कंपनी के खाते में ई रिक्शा के लिए भुगतान भी कर दिया, लेकिन कंपनी ने नगर निगम को ई रिक्शा उपलब्ध नहीं कराया। नगर निगम की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टेंडर के जरिए दिल्ली की एक कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने उस टेंडर को भरा था और उसको अचीव भी हुआ। बाद गाड़ियों के ई रिक्शा के फाइनेंस के बाद उसका भुगतान किया गया, किंतु ई रिक्शा अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। कई बार संपर्क करने के प्रयास के बाद जब उसमें ई रिक्शा का डिलीवरी नहीं की, नगर निगम के साथ संपर्क बिल्कुल काट दिया, तब नगर निगम के साथ इस हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाना कोतवाली में की गई, जिस पर प्राथमिकी दर्ज करके मामला विवेचना में ले लिया गया।